नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं अनु शुक्ला और आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। सबसे ज्यादा प्रतीक्षित, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, पीईटी की परीक्षा हुई थी उसके बाद से, यानी कि लेखपाल की भर्ती, जो आप इतने, शायद मैं सालों बोलूं तो गलत नहीं है, इतने सालों से उसकी तैयारी कर रहे थे, उसका फॉर्म, उसकी विज्ञप्ति अब आ गई है। 7 तारीख से फॉर्म फिलिंग, 7 जनवरी 2022 से 2022 की पहली वैकेंसी है। बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 8000 पद जैसा बोला गया था, 8085 टोटल पद हैं। लेखपाल का बैच भी चल रहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले भी चल रहा था। सबसे पहले क्या है इसमें पीईटी का कट ऑफ, क्या कट ऑफ होगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कितने परसेंटाइल वाले बच्चे होंगे वो लेखपाल में आवेदन कर पाएंगे। ट्रिपल सी हालांकि यहां पे मांगा नहीं है, लेकिन क्या कुछ अलग से यहां पे आता मांगा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या लास्ट डेट है, बहुत कम समय दे रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं लास्ट डेट क्या है, और क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और सिलेबस तो आपको पहले पता चल गया था, इन सब के बारे में यहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो जो मित्र यहां पे चैनल पे अभी नए हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सेशन को यहां पे लाइक भी जरूर कर ले। आते हैं हम लोग सीधा नोटिफिकेशन पे बिना ज्यादा समय गंवाए। ये आपके सामने पूरी की पूरी विज्ञप्ति है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। एक एक चीज बहुत डिटेल में बताऊंगा, पीटी के संदर्भ में भी, मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी बता दूं। अभी आपसे फीस नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वो बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होने वाला है यहां पे। तो जो 7 तारीख से इसकी जो डेट है वो 7 तारीख से है, यानी कि आप जो आवेदन कर पाओगे या जो शुल्क जमा करना जो प्रारंभ होगा वो 7 से होगा। अभी ये शुल्क जमा करना बोला है, इतना मैं पहले बता दूं कि ये शुल्क इसलिए नहीं जमा करना है कि मुख्य परीक्षा का, वो बाद में भी जमा करवाएगा। अभी वो आपसे केवल ₹25 प्रोसेसिंग फीस लेगा, अभी आगे बताता हूं। तो ध्यान में सुनिए एक चीज, 7 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। आज 5 तारीख है, 2 दिन बाद, यानी कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा, आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 है, यानी कि आपके पास केवल और केवल यहां पे 3 सप्ताह का मौका दे रहा है। एक चीज आप समझिएगा, पूरे के पूरे 4 सप्ताह का भी मौका नहीं दे रहा है, पीटी की भांति 3 सप्ताह का मौका यहां पे भी दे रहा है। और पीटी वाली गलती यहां पे मत करिएगा कि आप आवेदन ना कर पाओ, समझिएगा। आवेदन में जो संशोधन की अंतिम तिथि है वो 4 फरवरी है, यानी कि आप 28 तारीख के बाद से 3 और 4 एक सप्ताह का मौका और देगा कि आप कोई सुधार कर सकते हो। आते हैं इसमें एक विशेष बात जो इसने क्या लिखा है कि विशेष उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2022 तक है, इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। मतलब आप कितना भी रो चिल्ला लो पीटी की तरह, वो सुनने वाले नहीं है। और इसके पश्चात विलंबता 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 4 तक अनिवार्य रूप से जो उसमें त्रुटि है वो आप कर सकते हो। आते हैं हम लोग इसकी मेन चीज पढ़ते हैं। यहां पे देखा जाए तो राजस्व लेखपाल जो मुख्य परीक्षा है, यानी कि 2021-22 इसने लिखा है, हालांकि 2022 की पहली परीक्षा बोलेंगे, और अगर पीईटी के आधार पे देखा जाए तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। तो ये पहले भी बोला है, एक इसमें सब क्लॉज ये दिया गया था, इससे पहले भी जो आई थी नोटिफिकेशन उसमें दिया गया था, परंतु या कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन में लोग हैं या प्रोविजनल है श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की क्या होगा यहाँ पे औपबंधिक रूप से अनुमति प्रदान की जाएगी। तो ये पॉइंट हम लोग बाद में भी वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप समझो कि जो लोग पीटी दे के आए हो वो सभी लोग इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक जो सूचना ये है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने ही तो ऑनलाइन आवेदन पद्धति, ऑनलाइन सिस्टम होगा और UP SSC वेबसाइट से होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रक्रिया जो है, जो सबकी प्रक्रिया होती है वही इसकी भी प्रक्रिया है, कुछ नया नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता दूं, जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो 2 ऑप्शन होगा, एक आपका डिटेल, पर्सनल डिटेल भर के होगा, और एक आपका OTP के माध्यम से, यानी कि जो आपने PET में अपने रजिस्ट्रेशन और वो डाला हुआ है वही आप डालोगे तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आएगी, उससे आप चीजें कर सकते हो। जैसे ये करोगे आपके सामने जो पहले पीटी वाला फॉर्म भरे थे उसकी सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी, कुछ अधिमानी अर्हता वाली या इसमें जो क्वालिफिकेशन वाला है उसके बॉक्सेस अलग से होंगे, उसमें यस नो आपको करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। बाकी आप चाहो तो पर्सनल डिटेल में जैसे रजिस्ट्रेशन का नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश और मूल निवास, ऐसे भी भर के आप कर सकते हो, लेकिन ये भी आपका आधार वही रहेगा।
अभी एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी की बात कर रहा है, दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता, पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी ईडब्ल्यूएस हो गया, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि का विवरण स्वतः ही दिखाई देगा जो मैंने आपको बता दिया। इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता पे केवल यस/नो करना होगा। अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक विज्ञापन को प्रकाशित अनिवार्य अर्हता यानी जो शैक्षिक पढ़ ले तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। अभी मैं बता दूं केवल 12th या उसके समकक्ष है, ज्यादा कुछ स्पेशली मांगा नहीं है, CCC भी नहीं है, पहले भी आपको पता था, यहाँ पे भी क्लियर है कि CCC नहीं लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म आने वाले हैं, एक बात आप समझिएगा। वेरिफिकेशन कोड डाल के आप उसे सबमिट कर सकते हो, फोटो सिग्नेचर, वही बात है। इसे मैं एक एक बात, लेखपाल का FAQ अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें लेखपाल की छोटी छोटी बातें होंगी, वो सारी चीजें आपके कैसे फॉर्म भरे जाना है, कहां पे आपको दिक्कत आ सकती है, कहां पे आप गलती ना करिएगा, क्या बाकी चीजें होंगी, उन सबके बारे में उस प्लेलिस्ट में, जो लेखपाल के FAQ, प्लेलिस्ट का नाम क्या होगा मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे FAQ के नाम से होगा, किसका होगा, लेखपाल के FAQ के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारी जानकारी आपको इसी परीक्षा प्लस चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। घोषणा जो डिक्लेरेशन है, यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, ये पेमेंट का डिक्लेरेशन है जैसे सब में करवाते हैं, उसे आप सेव कर लीजिएगा। इसमें देखते हैं फीस शुल्क जमा करना तथा आवेदन पत्र का जो अंतिम रूप है ना सब में, उसमें अंतिम रूप में कैसे आपको करना है, तो जब भी आपका फाइनल हो जाए तो उसमें क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है प्रिंट उसका, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे आपसे यही फॉर्म मांगा जाएगा, और अगर नहीं होगा तो दिक्कत भी आपके लिए होगी, बाद में वेबसाइट से निकल जाती है ये चीजें, तो ये ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने के बाद उसे आप अपने पास सही से सेव कर लीजिएगा, ठीक है ना। डबल वेरिफिकेशन मोड से भी कोई दिक्कत आती है तो इससे हो जाता है, वो चीजें आप इसमें नोटिस में पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। पेमेंट आप किसी से भी कर सकते हैं, पेमेंट पे ज्यादा चर्चा नहीं करते, FAQ में इसे डाल देंगे। यहां पे ये चीज जरूरी है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पे आप थोड़ा कंसंट्रेटेड हो जाइए, जो मेन चीज है, और यहां पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा PET का कट ऑफ। आयोग पहले की भांति बहुत ज्यादा चालाक है ना, PET कितना कट ऑफ जाएगा उसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करना चाहा है। कारण क्या है? कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्यों है? क्योंकि चुनाव लगे हुए हैं, अभी वो पता लगे कि किसी पर्टिकुलर परसेंटाइल डिफाइन कर देगा तो बाकी बच्चे डिमोलाइज हो जाएंगे और मार्केट में हवा चल जाएगी कि ये सरकार खराब है। मैं सरकार की कभी बुराई नहीं करता हूं, लेकिन जो फैक्ट है मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं वो है। तो राजनीतिक कारणों के कारण अभी ये नहीं बताया गया है कि आखिर कौन कौन इसमें भर सकते हैं, अभी ओपन टू ऑल है। ओपन टू ऑल किसके लिए? जिन्होंने भी PET दिया है, जिनका भी कुछ अपना स्कोर कार्ड आया है, वो सभी लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। और इन्होंने बड़ी चालाकी से उसका क्या किया है कि फीस क्या कर दिया, शून्य कर दिया है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास इंटरनेट प्रोसेसिंग चार्ज लगेंगे, कितने रुपए? 25 रुपए। तो विभिन्न जो भी श्रेणी हो, अनारक्षित या सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित हो या अनुसूचित जनजाति हो या फिर विकलांग हित हो, सभी से वो बराबर 25 रुपए ले रहे हैं। और ये केवल क्या ले रहे हैं? ये उनके इंटरनेट प्रोसेसिंग फीस है। लेकिन खेला यहां पे खेल गए, कैसे खेला खेल गया आप समझिएगा, वो यहां पे तो फीस सबमिट नहीं कर रहे हैं, अगले अपने सब क्लॉज में क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। अब देखो समझो यहां पर क्या कह रहे हैं, कैसे बेवकूफ बना रहे हैं कि भैया जो PET भरे हो वो सभी के सभी 25 रुपए देके फॉर्म को भरोगे, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद जब आप फॉर्म भर दोगे तो आपको क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये शॉर्ट लिस्ट में इनकी क्या गणित होगी, इनकी अपनी है, पहले भी इनके चेयरमैन भी हो चुके थे, आपने सुना था 1,20,000 समथिंग आपके दिमाग में आ रहा होगा, 20 गुना क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। खैर शॉर्टलिस्ट होने के बाद अब ये क्या करेंगे कि भैया अगर आपको मेंस परीक्षा देनी है, मेंस मतलब किसकी परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा देनी है, तो जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाओगे तब आपसे ये फीस ले लेंगे। कौन सी फीस ले लेंगे? ये मेंस परीक्षा की फीस ले लेंगे, यहां पे नहीं लेंगे, समझिएगा, यहां पे नहीं ले रहे, यहां पे 25 रुपए केवल इंटरनेट प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं। लेकिन पहले वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं अगर किसी को ये दिमाग में रह रहा हो कि जितने लोग PET दिए हैं सभी लोग लेखपाल की परीक्षा में बैठेंगे, तो नहीं। हाँ ये बात सही है कि जितने PET दिए सभी लोग लेखपाल का फॉर्म भरेंगे, लेकिन उसकी परीक्षा में कौन बैठेगा, वो जिसे आयोग चाहेगा वो बैठेगा, आप इतना दिमाग में रख लो। और उसकी फीस भी तब लेंगे जब एडमिट कार्ड आपसे डाउनलोड करवाएंगे,
पैसा एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से एडमिट कार्ड लो और जाओ चुपचाप परीक्षा दो, उनके कहने का मतलब यही है। और यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा पे शुल्क जैसा आयोग डिसाइड करेगा या शासन डिसाइड करेगा, आयोग और शासन समझिएगा, का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व लिया जाएगा। बस बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें आप खुद पढ़ सकते हो। ये उसका टोटल जो पद है, कितना पद है वो 8085 है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज और है कि जो इसकी वैकेंसी है वो मंडल युक्त होती है, मंडलावार होती है, अलग अलग मंडल में अलग अलग पद होते हैं, उसके आधार पे आपका ये जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा तो वहां पे मंडल वाला काम आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्षैतिज आरक्षण ये सब आप पहले से जानते हो, महिला के लिए आरक्षण पहले से जानते हो, इसका एफएक्यू में अलग से बता देंगे। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष सारे अधीनस्थ की परीक्षाओं की तरह, 18 से 40 वर्ष सामान्य, बाकी के लिए तो छूट मिलती है आपको पता ही है, वो भी आपको एफएक्यू में बता दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी कुछ इसमें कुछ खास है नहीं, सिलेबस इसका पहले आ गया था, सिलेबस में आपको यहां पे थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि चार भाग है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, सामान्य हिंदी 25, गणित 25, सामान्य ज्ञान 25 और ग्राम्य समाज एवं विकास, ये भी 25 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। निगेटिव के बारे में जो चर्चा की गई थी वो 1/4 की गई थी, यहां पे साफ साफ लिखा भी है कि 1/4 निगेटिव कटेगा, मतलब कि 0.25 अंक निगेटिव होगा उसका जो सिलेबस है ये है। सिलेबस के बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी चर्चा इसके बारे में हो चुकी है, हम समय यहां पे जाया नहीं करेंगे। कुछ यहां पे पॉइंट है बाकी वो जनतिथि और इन्हीं को लेके, इसको भी हम लोग एफएक्यू में डिस्कस करेंगे। अभी मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आपको इतना बता दिया जाए, हाँ इतना बता दिया जाए कि आखिर जो ये फॉर्म आया है उसकी ब्रीफिंग कर दूं, तो ब्रीफिंग एक बार आप यहां पे समझ लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसकी जो आवेदन है लेखपाल का, भैया नोटिस आ गया है, यहां पे आप समझिएगा नोटिफिकेशन आ गया है, किसका नोटिफिकेशन है ये, लेखपाल का नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो तैयारी में जुट जाओ। एक बार एक चीज मैं और बता दूं, इसकी परीक्षा मार्च में हो जानी है, मार्च महीने में इसकी परीक्षा निश्चित हो जानी है, समय नहीं मिलेगा, गिन के आपके पास फॉर्म भरने के बाद 2 महीने के लिए मिलेंगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से मुश्किल से 1.5 से 2 महीना मिलेगा, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। उसी में आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी में आपके अंदर उहापोह की स्थिति रहेगी कि पता नहीं हम मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, हमारा शॉर्टलिस्ट होगा कि नहीं होगा, ये सारी स्थिति आपके दिमाग में चल रही होगी। इसलिए इसकी परीक्षा की तैयारी इसी समय से शुरुआत कर दो, अब ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। तो मार्च में इसका एग्जाम हो जाना है, अभी 7/1/2022 से इसकी फॉर्म फिलिंग चालू हो रही है, ठीक है। इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट इसका जो है वो 28 जनवरी है 2022 ही मान के चलिएगा सब कुछ। इसमें जो करेक्शन है फॉर्म में वो आपका 4 फरवरी है, ये भी समझते हुए चलिएगा। इसके अतिरिक्त जो पेपर होगा, जो पेपर होगा एग्जाम डेट, मैं बता दूं एग्जाम डेट जो है वो मार्च मंथ जो है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अभी आपका यहां पे कट ऑफ डिसाइडेड नहीं है, कट ऑफ डिसाइडेड नहीं है, एक बात आप और समझते हुए चलिएगा। फॉर्म सभी को भरना है, अभी ₹25 मात्र जमा करके करना है, बाद में जो भी फीस होगी ये किसकी होगी, मेंस की परीक्षा की, यानी कि लेखपाल परीक्षा की, वो आपको बाद में सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म सबमिट करके आप रख लीजिएगा, ये ज्यादा जरूरी है। एलिजिबिलिटी में आपको बता दूं तो एलिजिबिलिटी में केवल आप 12 या 12 के समकक्ष जो भी हो पास हो तो आप इसे भर सकते हो, पहला 12वां, दूसरा पीईटी, यही दो एलिजिबिलिटी है, इसके अलावा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। टीम परीक्षा पद द्वारा कोर्स रन कराए जा रहे हैं, संकल्प बैच के अंतर्गत ये बैच था, ये बैच आपको अलग से भी अवेलेबल हो जाएगा, 649 में अवेलेबल है। अभी ये फीस का दाम करीबन ₹1500 है, लेकिन करीबन 60 से 70% ऑफ चल रहा है और आप इसे ₹649 में आज भी परचेज कर सकते हो। सारी क्लासेस दिए हैं, सारे नोट्स दिए हैं, सारे टेस्ट दिए हैं, सब कुछ आपकी यहाँ पे विशेषताएं दी हैं। अन्य कोई समस्या होती है तो आप इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हो या परीक्षा प्लस ऐप, कौन सा परीक्षा प्लस ऐप, सीधा गूगल प्ले स्टोर से, है ना, परीक्षा प्लस जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। बहुत जबरदस्त, आप हमारा इतिहास भी देखो कि पीटी की परीक्षा देखो, एएसआई की परीक्षा देखो, कोई भी परीक्षा देखो, जबरदस्त क्वेश्चन सीधे फंसे हैं और ये फिर से हम लोग एक इतिहास यहाँ पे लेखपाल में रचने वाले हैं। फिर मिलेंगे तमाम जानकारी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।